दास्ताने गोए है कि ताकि जिसमें हम उर्दू में अनसंग पर्सन्स और डाइंग आर्ट को रिवाइव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करके उनके बारे में बताया, कोई स्टोरी उन्होंने सुनाई। लेकिन हमारा ये जो उर्दू इस वक्त ख़त्म हो रहा है, उर्दू भाषा के लोगों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, इस इवेंट के थ्रू हम उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं और दोबारा से रिवाइव बैक करना चाहते हैं। दास्तान गोई में कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखिए। पहली चीज, दास्तान गोई थिएटर नहीं है, सिर्फ कहानी सुनाने का नाम नहीं है, या वो कागज पढ़ के पेपर रीडिंग का नाम नहीं है, या वो आप जिस तरह टीवी पे बोलते हैं कम जिसम को हिला के, उसका नाम नहीं है। दास्तान गोई एक खास फर्ज है। तो पहला ख्याल कीजिए कि उसको बैठ के सुनाइए, क्योंकि उसके अंदर लंबी लंबी दास्तानें सुनाई जाती हैं जो दिनों घंटों महीनों चलती हैं। अगर आप खड़े होकर उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर, एक अल्फाज, दो अल्फाज या चंद बातें कीजिए, लेकिन दास्तान का अंदाज उसको बैठ के सुनाने में। दूसरी बात, ये जो आपके पास में दो हाथ हैं खुले खुले बड़े बड़े, ये जो आपका चेहरा है, ये जो आपके पास में अंदाज है बात करने का, उसको इस्तेमाल कीजिए। कि यही तो खूबसूरती है कि आदमी घंटों, दो घंटे और महीनों तक दास्तान सुनाता है और लोग दिल लगा के सुनते हैं। तो आपके पास में कम चीजें हैं। तीसरी बात, जो आपकी आवाज है, यही तो ताकत है दास्तान गोई की, कि जब गम आए तो आवाज दर्द होता है, जब परेशानी हो तो वो परेशानी हो लहट आपकी आवाज में नजर आए, और जब गुस्सा हो तो हर शख्स महसूस करे कि मेरे अल्फाजों में, मेरे एहसासों में गुस्सा आने लगता है। तो अपनी आवाज को अपने अंदाज में पिरो दीजिए, इस तरह कि आप बात सुना नहीं रहे, आप लोगों को मंजर दिखा रहे हैं। चौथी बात, दास्तान के अंदर मंजर कशी, यानी कि जहां आप हैं, जो बात आप बता रहे हैं उसको दिखाना, यही फन है कि हम यहाँ बैठे हैं और समुद्र पार की दास्तान आदमी सुन रहा है और वो महा हो गया। इसका नमूना छोटा सा आपको देता हूँ। एवं बलिदान की कहानी सुनाती है और हमें यही संदेश देती है, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। शुक्रिया। तुम मुझे फांसी पर लटका सकते हो, किंतु मेरे आदर्श की हत्या नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगा, परंतु मेरे खून से लाखों ऐसे बहादुर पैदा होंगे जो तुम्हारे जुल्म को खत्म कर देंगे। 7 जुलाई 1857 को पी अली खान को उनके साथियों सहित बीच सड़क पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। कमिश्नर टेलर ने कहीं लिखा था कि पी अली खान की सजाए मौत की बड़ी बहादुरी व निर्भरता का एहसास दिलाया था। और इसी प्रकार भारत का एक और वीर मतवाला में पड़ गया। उन्हें भी तो राजा एक सज्जन व्यक्ति व मर्यादा का पालन करने वाले लगे थे। बस
वंशजों ने किले का विस्तार करने की बात सोची। उन्होंने 2 मंजिला किले को 7 मंजिला बनवाया, जिसके कारण उसकी परछाई ऋषि मुनि की कुटिया में पड़ गई और अतः पूरा महल, पूरा किला खंडर में बदल गया, सब टूट गया और जितने भी किले में लोग थे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी कुछ लोग समझते हैं कि मैं एक रहस्यमय किला हूँ और कुछ लोग समझते हैं कि मुझ में भूत प्रेत का साया है। शायद यही मेरी बदकिस्मती का कारण है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, ना कोई मुझे देखने आता। ये तो सारे लोगों की कई फालतू बातें हैं। असलियत में कुछ अरसे बाद एक नए राजा का राज खानगढ़ में आरंभ हुआ। उनकी रानी का नाम रानी रत्नावती था। वह रानी बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी प्रजा में फैले हुए थे। घूमते घूमते और किसी के प्रति भी बदले की भावना ना रखती थी। 1941 में 18 वर्ष की शीला शकुंतला आजाद से मिली और अपना घर छोड़ पूरी तरह मातृभूमि को आजाद कराने में जुट गई। परिवार को उन्होंने पत्र लिखा, मेरी शादी के लिए लड़का ना ढूंढे, मैं स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपने आप को समर्पित करने का प्रण ले चुकी हूँ। परंतु जिस कीर्ति पार्टी में लड़की होने के कारण उन्हें सदस्यता नहीं मिल रही थी, उसी कीर्ति पार्टी के सदस्य चैन सिंह चैन सुशीला के भावी पति थे और उनके सहयोग से सुशीला कीर्ति पार्टी में सदस्य बना। कीर्ति किसान मोर्चा और अन्य कई आयोजनों के द्वारा सुशीला ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपनी मातृभूमि पंजाब में 3 विद्यालय लड़कियों के लिए और एक सह शिक्षा विद्यालय भी खोला। सुशीला जी स्त्री सभा जलंधर की सर में काफी। ये वो दौर था जब शीश महल
की स्वतंत्रता की वो पहली जंग शीश महल के काबुल में आखिरी 3 साल याद आता है मुझे मोहब्बत नसीब थे जब शीश महल को उजाड़ दिया गया, इसे बेच दिया गया और हम सब की इस विरासत को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुगलों की यहाँ इसका नमूना छोटा सा आपको देता हूँ। दास्तान मैंने लिखी थी, इसका टुकड़ा आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि दास्तानें किस तरह से पेश की जाती हैं। ये कलाम साहब की जिंदगी का एक टुकड़ा है, आप सब पढ़ने वाले हैं, आप सब के काम आने वाला है। तो फिर ये हुआ कि हमारी क्लास जो मैदान में ली जाती थी कि उस जमाने में स्कूल में ना पंखे थे ना बत्ती, तो दिन आए बरसात के क्लास जो मैदान में पेड़ के नीचे होती थी वो फिर कमरों में ली जाने लगी। तो एक रोज मैं जो देर से स्कूल में दाखिल हुआ तो हड़बड़ाता मैं दूसरी क्लास में जा पहुंचा। मियां तस्वीर बनाने वाले तुम इधर आओ तो मैं जरा बच्चों से मुखातिब हूं। तो मियां फिर ये हुआ कि मैं हड़बड़ाता दूसरी कक्षा में जो दाखिल हुआ तो वहां के उस्ताद अरे वो बोले अरे भाई तुम कौन हो, हर हर कहां घुसे चले आते हो, कौन हो भाई तुम? क्या गुस्सा ले आओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या कहा अलाम? तुम हमारी कक्षा के तो छात्र नहीं। जब तुम अपनी कक्षा तक सही से नहीं जुड़ सकते तो तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो? बच्चों मेरी छड़ी लाओ और आगे बढ़ाओ, तबाह हो जाओ यहां से, नजर ना आना। बच्चों ये बच्चे क्या करेंगे जिंदगी में जो पक्षा नहीं ढूंढते? उसमें पक्षा के बच्चे हंसे मंदिर पब्लिक स्कूल में आज दास्तानगोई का कॉम्पिटिशन था जहाँ पे तकरीबन 25 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। हमें बहुत खुशी है कि दास्तानगोई के ऊपर ये कॉम्पिटिशन रखा गया और कॉम्पिटिशन जब होते हैं तो बच्चे बेहतर से और बेहतर उमदा और आला होने की कोशिश करते हैं।
तो ये दुआ कि आज जिन बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया वो आने वाले वक्त में ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में दास्तान गोई का नाम रोशन करें, दास्तान गोई मुल्क के कोने कोने तक पहुंचे। आज इस तरह के कंपटीशन और ऐसे स्कूलों की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यह फ़न जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में हैं वो अपनी मौत की कगार पर खड़ा है। अगर अभी नहीं तो कभी।